माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं दो दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे 1 बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। 1 रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट
एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौंठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं, मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी इसमें पहले सर अगर 5,000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल में सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। कोविड जैसी महामारी की परिस्थिति में लोगों ने ये समझ आई कि जो अपने खोराक में शुद्धिकरण से तो आप बची सकाशे, तो हवे ये लोग समझवा मंडिया है, लोग उपभोक्ता समझवा मंडिया है कि आप प्राकृतिक खोराक खावो छे तो त्या अपने भाव पण मळे छे। हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी।